नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं तो फिरोजाबाद जनपद के टूंडला क्षेत्र के गांव में। यहां पर आलू की प्रजाति किसानों द्वारा बहुतायत क्षेत्रफल पर की जाती है। इस बार कैसा प्रोडक्शन है, क्या पैदावार निकल रही है, साथ ही पिछली बार की अपेक्षा इस बार कैसा रुझान है, वो सारा किसानों के माध्यम से हम जानेंगे। इस बार जो है मौसम की गतिविधियाँ भी काफ़ी बदली हुई हैं, ऐसे में क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी 2-3 तारीख में आने की पूरी प्रबल संभावना है, तो जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग कराकर आलू को शीतगृह में पहुंचाना किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर दोबारा से बारिश हुई तो आलू की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। मेरे साथ में ये सभी किसान मौजूद हैं और इस बार कैसी पैदावार है ये सब हम जो है इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ में ताऊ जी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? राम निवास यादव। यादव जी कौन सा गाँव है आप? मेरा गाँव तो नगला सदासुख है, लेकिन यहाँ लांगी में आलू करता हूँ मैं। कितने बीघा में आलू करते हैं? है 50 बीघा आलू। कौन कौन से प्रजाति का आलू करें? मोहन है और ख्याति है और ये CPRA का 37.97 है। सभी में पैदावार पिछले साल की अपेक्षा इस बार कैसे है? पिछले साल के अपेक्षा कम से कम 20 एक बीघा पैकेट कम की पैदावार है। क्यों पैदावार जो कम हुई है उसका जो रेशियो है वो किस तरीके से आप आंकलन कर रहे हैं? पिछले साल 80 का करा था मोहन, इस साल करा 50-60। ख्याति का भी अभी 50-60 से ज्यादा लग रहेगा, खुदा है, देखा चेक किया, खुदा नहीं है अभी, मोहन ही खुदा है। अच्छा, जो 37-97 उसका तो भाई 35-40 का एवरेज आएगा। 37-97 कैसे पिछड़ गया? ये तो बेसिक कम होता है, 37-97 तो जमीन सूट नहीं करती है और मौसम का डिफरेंस रहा है, कोहरा रहा है, सर्दी मिली नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है, जरा नीचे देख लीजिए। ताऊ जी जो बता रहे हैं वो साफ बयान आपके सामने है और आलू की जो साइज़ है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बच्चे जो कंचे खेलते हैं ना उस साइज़ में लग रहा है। यह है साइज़। क्या इसमें PGR वगैरह कुछ का डाला या नहीं डाला? अरे बहुत डालो, यहाँ में देसी खाद डरा हुआ पर लेकर ना हो जाए। असाड़ा खेत था या इसमें और फसलें भी ले चुके थे आप? असाड़ा है, असाड़ा आलू के बाद आलू। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कई वर्षों में। जमीन सूट करिए या नहीं, ये पहली बार ही किया आलू पर इसमें बहुत नुकसान है। ये आता है ना असाड़ा खेत में जो है आलू के बाद जब आलू लेते हैं ना तो आलू का साइज जो है डबल निकलता है, या तो आलू के दाने ही डबल नहीं हो पा रहे हैं। डबल नहीं, सिंगल ही दाने कर रहे हैं, पैदावार भी बहुत कम है इसमें। पड़ाव कैसा रहा? पड़ाव तो है इसमें, फूला नहीं है आलू। पड़ाव तो है, पड़ाव तो इसमें खूब है, पड़ाव तो काफ़ी है दिख रहा है पर फूला नहीं है। मेरे साथ में हिमांशु भैया मौजूद है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। कौन कौन सा आलू लगाए हैं आप? हमने भी जैसे कुफरी मोहन लगाया है, ख्याति है, स्पेशल 3 है और CBRI 37-97 है। जो स्पेशल 3 इसका क्या आप रेशियो देख रहे हैं? स्पेशल 3 का रेशियो आप मान के चलिए कम से कम 20-25 पैकेट का भैया कम निकलेगा। उसमें ट्यूमर कम है लेकिन साइज थोड़ा हो गया, लेकिन ट्यूमर कम बने उसमें। किसी में साइज का अधिक है तो उसमें नंबर ऑफ ट्यूमर्स कम है, यानी कुल मिला के ट्यूमर ज़्यादा है तो जैसे फुलाव नहीं है उसमें, जैसे हम इसे देख रहे हैं। हमारे CPRI 37-97 या ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 पैकेट का बीघा निकलेगा। जो और भी प्रजातियाँ जो आप बता रहे हैं उनका क्या है? 50+ मार के 50-55 लास्ट, 55 से ज़्यादा किसी में आ ही नहीं रहा है। जो हमारे पिछले साल 80-85-90 तक का निकला था हमारा कुफरी मोहन, क्या थी हमारा 70 पैकेट बीघा निकला था, इस साल हम 50-55 था, बहुत मानी चलिए। पूरा क्षेत्र को बोला जाता है कि फिरोजाबाद में आलू की गढ़ है, आलू का राजधानी है, यहाँ पर आप सभी लोग जो हैं पूरी अर्थव्यवस्था पूरी आलू पर ही आधारित है और राजस्व भी आप जो हैं आलू से ही जमा करते हैं। और इस बार तो लागत निकल आए तो बहुत समझिए, पैदावार को देख के भाव में कुछ आया तो कह नहीं सकते हैं। पिछले साल के अपेक्षा आलू ऐसे ही बिका तो फिर लागत भी निकलना मुश्किल है। इस बार हिमांशु भैया जो व्यापारी हैं जो कारोबारी हैं खेतों पर आ रहे हैं खरीदारी करने? आ रहे हैं खरीद के लिए आ रहे हैं, जैसे 600-700 रुपये पैकेट तक खरीद रहे हैं आलू हाइब्रिड, 750, 800-900 तक, जैसे CPRI अच्छा हो किसी का मोटा, लेकिन मोटा किसी का ही नहीं। 37-97 का ये रेट 900 रुपये तक का आपके यहाँ पे है? हाँ, हमारे यहाँ 700 रुपये में तो बिका है यहाँ पे, जैसे अभी सौदा हुई है गड्ढे में हुआ है या वैसे हुआ? मोटा मोटा 600 रुपये गड्ढे में सौदा हुई है। 37-97 ना वो ख्याति ख्याति का इतने में हुआ है। और ये के मोहन वगैरह का? के मोहन में 650-700 रुपये मांगे चलिए चट्टा। जिस तरीके से जो पहले बोल रहे थे कि बम्पर पैदावार, अभी आपने 10 दिन पहले देखा था कि सभी लोग जो हैं आप भी एक पेड़ उखाड़ते थे उसके नीचे दाने अच्छे निकलते तो बड़े खुश होते थे। खुश होते थे लेकिन संख्या दानों की बहुत कम है। जैसे हम मशीन चला के आपको दिखाएंगे के मोहन उधर है, ये CPRI खुद रहा है तो इधर जैसे उसमें बहुत ही दाने कम है, साइज आलू का बड़ा हो गया लेकिन पैदावार नहीं है। PGR वगैरह का यूज़ किए आप? ये नहीं, PGR भी लगाया था मैंने और कैल्शियम नाइट्रेट डाला था और आपका ये
बहुत सारे हाइब्रिड जैसे टॉनिक डाले थे हमने फुलाव के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ना ट्यूमर बने। इसका जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर रहा आलू में प्रोडक्शन और साइज का गिरना, उससे वो क्या रहा? मौसम। कैसे डेफिनेट करें? मौसम जैसे एकदम ज़्यादा धूप नहीं निकली लगातार, जैसे 25-30 दिन धूप ना निकलना। और आपको पता है पौधे के लिए तो जैसे प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है, प्रकाश से तो जैसे पौधा अपना भोजन पानी तैयार करता है, और ज़्यादा कोहरा करना, मेरा तो यही मानना है। ये पूरा कौन कौन से गांव आपके नज़दीक आते हैं? हमारे जैसे बगल में नगला बल्लू है, नगला आम, जहांगीरपुर, धीरपुरा, बासदानी, इधर अजीत नगर है आपका। पूरा गढ़ आलू के नाम से विख्यात है और यहाँ पर आलू की ये कंडीशन बन रही है, तो कम से कम किसानों की जो लागत और जिन जो लगी हुई है वो तो निकलना मुश्किल से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। निकल आए भाव नहीं मिला तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, अगर भाव जैसे मिल गया तो लागत निकल आएगी। अच्छा भैया क्या नाम है? शिवम यादव। भैया आप कितने बीघा करते हैं? आलू है करीब 15-20 बीघा सा। कौन कौन सा आलू लगा? आलू है 86-97 यही होता है यहाँ पे ज़्यादातर, यही होता है पैदावार का, यही सब बता रहे हैं ये, यही आपकी पैदावार में डाउनफॉल बहुत आ रहा है। पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो मिनिमम 20 से 25 पैकेट का डाउनफॉल है इस बार। आपने भी लाग नहीं लगाई? लागत सब लगाई है पर दाना ही नहीं बनाया है, दाना बनाया उसमें फूला नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कंचे मार खेल। बिल्कुल बिल्कुल, साइज बनाई नहीं है इसमें। रहमान सिंह भैया ये सबसे ज़्यादा फैक्टर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दाऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है? नरेश यादव। आप ये आलू करते हैं? करते हैं। और कौन कौन सा आलू करते हैं, प्रजातियां बताएं? प्रजातियां ये CBI करते हैं 37-97 और मोहन भी करते हैं। इस मोहन में इस बार मतलब दाना तो बड़ा हो गया है, मतलब उसमें वो दाने कम पड़े हैं, बन गया ज़्यादा, उसमें फूला नहीं है। 37-97 दाना पड़ गया तो फूला नहीं, फूला नहीं है। आपकी बुवाई की थी इस बार? जी बुवाई ऐसी यहाँ 23-25 के आसपास की सब बुराई है। आप सभी की 23-25 अक्टूबर के बीच की? हाँ उसी टाइम की है। हमने तो जैसे 20 अक्टूबर मशीन शुरू कर दी थी अपनी, 29 को लास्ट कर दी थी। स्टार्टिंग में 37-97 CPI लगाया था, उसके बाद 25 के बाद जैसे हाइब्रिड ख्याती है मोहन है, 29 तारीख तक टोटल लड़ाई अपनी कर दी थी। जैसे ये जो है प्रोडक्शन आप लोगों को छकाए हुए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद लगाए बैठे थे इससे उम्मीद लगाए बैठे थे फसल अच्छी होगी पर कुछ नहीं हुआ। पिछली बार जैसे कि खोद के देखते थे या जब जैसे ही आपने एक पेड़ उखाड़ा अभी 20 दिन पहले, तब आप लोग देखते थे तब कैसा महसूस करते? तब कैसा महसूस करते? फूल जाएगा, मतलब क्या फूला नहीं आलू, हम सुनते फूल जाएगा, पानी पानी लगाया, दवा फवा लगाई, फूल जाएगा। ये जो एक साथ ट्रैक्टर ज़्यादा लगा के आप जो है खुदाई करवा रहे हैं या ये बारिश का डर है या और कुछ? बारिश का डर है, मौसम का डर है, मौसम का, इसलिए खुदाई करवा रहे हैं। यहाँ पर आप जो है खुदाई करवाने के बाद में पैकिंग भी सीधे सीधे करा रहे? पैकिंग करा रहे हैं सीधे कोल्ड भेज रहे, सीधे सीधे करा रहे हैं। भैया जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे सादाबाद खंदौली में कोल्ड स्टोरेज मालिक जो हैं खेतों पर घूम रहे हैं, किसानों पर डोरे डाल रहे हैं, सेटिंग बाजी कर रहे हैं, कैसे भी किसान हमारे कोल्ड में लेके आए, ऐसा आपके यहाँ पर भी है? हमारे यहाँ तो जैसे है बिल्कुल है कोल्ड वाली, जैसे लोन भी दे रहे हैं 300 रुपये कट्टा बिना ब्याज के, जैसे कुछ कोल्ड है जैसे, यानी कि जो ब्याज का लोन दे रहे हैं वो सभी को दे रहे हैं या सिर्फ अपने चुनिंदा किसानों को? सभी को दे रहे हैं, किसी को भी दीजिए आप जैसे 300 रुपये कट्टे हिसाब से लोन ले आए। भाड़ा कम कर रहे हैं? नहीं क्या भाड़ा वही है आपके? बड़ी जैसे बात नहीं हुई उनसे भी, जैसे भाड़े में कोई गिरावट नहीं आ रही है, भाड़ा 125 का जो पिछली साल लगा था वही लगेगा इस बार भी, 131 रुपये 125 में। किसी का ले लिया होगा था? नहीं भाड़ा 131 का लिया दोनों में, कोई भाड़े में कमी नहीं है, भाड़े में कोई कमी नहीं करता। कोल्ड वाले यूनियन ने की बेहाल बढ़ाए देते हैं, चाहे किसान मरे चाहे जिए। किसानों की यूनियन भी तो थी, क्या कर रही है किसान यूनियन वाले? फैल है बिल्कुल है, एक जात तो एक कह तो एक मालिक के चूतने गुंजात हो जाए के बुत में तेल लगावत हो जाए के। हाँ सही है बाबू जी, किसान यूनियन केवल राजनीतिक प्रपंच वाला हो? हाँ हाँ कोई किसान यूनियन ना है। मेरा नाम जयंती यादव। जयंती यादव आप भी आलू करते हैं? हाँ हाँ। कितने बीघा करते? ज़्यादा नहीं 10-20 बीघा करते हैं। छोटे हैं अपने एज के अनुसार ही वो कर रहे हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाह रहे हैं। कौन सा आलू लगाते हैं? मोहन करते हैं और 37-97 मोहन और हाइब्रिड ज़्यादा है, 37-97 बहुत कम थी है। 37-97 वो क्या ज़्यादा हो जी रे? ऐसा कर रहा हूँ सही बात है। हाइब्रिड 50 रुपये पहुँच रहा है, 37-97 क्या करेंगे, हाइब्रिड 50 रुपये पहुँच पा रहा है। 50 रुपये पहुँच रहा था पहले, हाँ साल ये 50 में पहुँचा था, ये 50 में पहुँचा, 50-55 पे ही आ जाए। 35 रुपये जी, 35 रुपये जाएगा, 35 निकल आया बताओ, 30 कोई मान नहीं चलते हैं, बोरा बच जाएंगे तब। 20 जोरा फटवा के दिखा दीजिए जरा, मालूम पड़ जाए कि कैसी है। चलिए
एक जोड़ा पढ़वा के देखे थे, अब हाल मालूम पड़ता है कि कैसी पैदावार है। पहले जा थे हाँ, अभी तुम्हारे सामने ये जोड़ा खुदे बहुत ज्ञानी है, जब वीडियो देखते हैं जो कहते हैं शायद पहले थे उठा ले होंगे जामे थे 10-5 किलो। अरे तुम आराम तो चला लो, चाहे चला लो, कोई परेशानी जो देख लो चला करके। अभी मशीन चलवाते हैं जरा उधर दिखा देना, जो देखिए आपके सामने कैमरा के सामने दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर जो है लेबर जो है लगातार छटाई का काम को अंजाम दे रही है, जिससे क्या है समय पर आलू की पैकिंग हो जाए और कोल्ड स्टोरेज में आलू सुरक्षित हो रहे हैं। क्या कहा करें, मौसम ऊपर लदो डालो खुदवाने तो पड़ेंगे, मौसम पर भरोसा ही ना कब बस ये 2 तारीख फिर बरसात दिखा रहा हूँ इंटरनेट। अच्छा ये बरसात जो है बहुत ज़्यादा मतलब खलनायक की भूमिका है। अरे बिल्कुल खलनायक की भूमिका है, बिलन बन गई बरसात तो यह साल किसानों के लिए। और देख रहा है भैया जिधर हम देखते हैं उधर ही बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 30% आज दे रहा मौसम, आज भी दे रहा है, आज भी दे रहा 30%। आप लोगों की सांसें जो है इस मौसम ने थाम के रख दी है। थाम के रख दी बिल्कुल, यही ना क्या कहते हैं लेवल लगा में क्या करें आवे खोदे काम चल रहा हुआ है। देखिए आप जो है आप सीधा देख लीजिए, और ये जो है आलू आपको शायद दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मिट्टी के ढेला जरूर दिखाई दे रहे होंगे। हाँ जी, 37-97 इसमें उपज कम है यहाँ पर, 37-97 एवरेज नहीं देता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, मिट्टी जो अपनी उपज करती है पुष्कर आलू ख्याती चंबल इन सबको ज़्यादा एवरेज आता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो तो मिट्टी ज़्यादा दिखाई दे रही है, आलू कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहाँ देखो जहाँ आलू कहाँ निकल रहा हूँ, 20 को निकल रहा है तो बहुत जानी हो तो देखिए आलू को, तो तुम्हारे सामने मशीन चल रही है आलू जहाँ देखो जी है देखियो का याद इकट्ठा बच जाएंगे 20 को निकल रहा है तो बहुत जानो यार 35 लगा के चल रहे ले बिल्कुल कंचा है कहा जाए। चलिए उधर चलते हैं उधर देख लेते हैं क्या है स्थिति, और ये जब आपके खेतों पर हैं तो मतलब कुल मिला के इस बार जो है प्रोडक्शन ने काफ़ी किसानों को हताश कर दिया है एक तरह के। जी देखो तुम्हारा कितना तो यहाँ में कितना है 6 भी हो गए तो यहाँ में 2 इकट्ठा भर पाएंगे आज हाईब्रिड में। ये ताऊ जी ये सभी लोग लगे हुए हैं, अभी कितने बीघा का ये खेत होगा? 6 बीघा का खेत है। और कितने बन गए लगभग मान लो 200-225 भर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा बस। ताऊ राम राम। राम 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 राम। ताऊ क्या कर रहे हो? आलू बिनने। आलू बिनने को छांट रहे हो? छांट रहे। अच्छा तो कितने पैकेट भर लिया बता? जी भरे धरे जी भरे धरे ताऊ गिने उ ना जा रहे शर्म लग रही है गिनने में भी, इस बार प्रोडक्शन कम है तो कर रहे हो तो क्या करेंगे ताऊ गिनने के मामले। कमल कर रहा जा हमारे शर्मा रहे बोले हुए मैं शर्मा का भी रहे निकल रहा थे तो निकल रहा होगा निकल कम निकल रहा तो ज़्यादा कर देंगे वो। हाँ ये ताऊ बहुत अच्छे हैं। ताऊ राम राम। राम राम। अरे आप छाट रहे हो? हाँ छाट रहे हैं। छाट लिया तो पैदावार कैसी है? पैदावार ही कम है। पैदावार कम है तो कट्टे भी कम भरे होंगे? हाँ कम भरे गए। मजदूरी भी नहीं बन पा रही होगी? ना मिल रही। क्या बजे तो लगे हो सुबह? सवेरे लगे 8 बजे थे। 8 बजे तो लगे हो तो मतलब पूरे पूरे है ना पाए आपको? वही ना। कैसे ले रहे हो ठेका कमाई? कमाई का चुना है रही है। कितने रुपए लेते हो कट्टे पैक करने? 2000 रुपया मिलते हैं। मतलब इस समय पर देखिए किसान साथियों मजदूर भी परेशान हैं और वो बता रहे हैं कि प्रोडक्शन काफ़ी कम है, और ये वो समय है संकट का समय जो किसानों के ऊपर इस समय पर चल रहा है। किसान परेशान हैं व्यथित हैं, इतनी लागत लगाने के बावजूद आखिर जो है प्रोडक्शन काफ़ी लेस चला गया है, और ऐसे में कुछ लोग किसानों की इस दुर्दशा पर हंसी ठटोली कर रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं प्रोडक्शन ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो ये मजदूर भी झूठ नहीं बोलेंगे, मजदूर को मजदूरी से मतलब होती है और किसानों को किसानी से। लेकिन फिलहाल फिरोजाबाद जनपद के तहसील टूंडला में भी प्रोडक्शन ने किसानों को इस बार भी छकाया हुआ है। मेरे साथ में वीडियो में इतना ही।